हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हाईवे। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक फिटर थियरी को जो कंप्लीट कर रहे थे उसी का एक नया पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग हैंड टूल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हैंड टूल का एक पहले ही वीडियो अपलोड किया गया था फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, आज के मेरा टॉपिक है बेंच वॉइस। क्या फ्रेंड्स, बेंच वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं बेंच वॉइस क्या होता है, कितने टाइप के बेंच वॉइस होते हैं, इसका मटेरियल क्या होता है, इसके इजिज क्या है, इस सब के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। चलते हैं हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है मेरा बेंच वॉइस, मतलब पढ़ते हैं कि वॉइस क्या होता है। तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार का जॉब को पकड़ने वाला साधन यानी होल्डिंग डिवाइस है, वर्क होल्डिंग डिवाइस है। कैसा डिवाइस है फ्रेंड्स, ये मेरा एक प्रकार का वर्क होल्डिंग डिवाइस है, जिसमें जॉब को मजबूती से पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग और दूसरे प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस। यह प्रायः निम्नलिखित प्रकार के वॉइस प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे फर्स्ट है मेरा बेंच वॉइस, इसे पैरेलल जा वॉइस भी कहते हैं। बेंच वॉइस का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, पैरेलल जा वॉइस भी कहते हैं, जिसको प्रयोग बेंच पर फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। कहाँ फिट करते हैं इसको, बेंच के ऊपर फिट किया जाता है। इसका प्रयोग फाइलिंग, चिपिंग, हैक्सोइंग और अन्य हैंड ऑपरेशन किए जाते हैं इस प्रकार के वॉइस पर। इसका साइज इसके जा की चौड़ाई से लिया जाता है। कहाँ से फ्रेंड्स लिया जाता है, इसका साइज जा की चौड़ाई से लिया जाता है। आगे क्वेश्चन है मेरा सॉरी कि BIS के अनुसार यह प्रायः 75 से 150 मिलीमीटर तक पाया जाता है। कितना फ्रेंड्स, 75 से 150 मिलीमीटर तक के प्रयोग में लाए जाते हैं। यदि 75 मिलीमीटर वाले वॉइस का पर बात करें तो मेरे छोटे कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, और 100 से 125 मिलीमीटर वाले मीडियम वर्क के लिए, और 150 मिलीमीटर वाले वॉइस मेरे सबसे बड़े यानी हैवी वर्क में काम आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन, इसका पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इसके प्राय निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं, एक तरह मेरा पार्ट्स है और दूसरी तरह मटेरियल है। देख लेते हैं कौन सा पार्ट्स किस मटेरियल का बना होता है। जैसे यहाँ लिखा गया है कि फिक्स्ड जा, जो फिक्स्ड जा होता है फ्रेंड्स मेरा वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। मूवेबल जा, वो भी मेरा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। जा प्लेट्स होते हैं जो टूल स्टील का बना होते हैं। आगे देखते हैं स्पिंडल होता है जो मेरा माइल्ड स्टील का बना होता है। हैंडल होता है वो भी मेरा माइल्ड स्टील का बना होता है। एक बॉक्स नट होता है जो प्राय कास्ट आयरन, फास्फोरस, ब्रॉन्ज या गन मेटल का बना होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट्स एवं उसका मटेरियल, तो आप इसे देख कर याद कर सकते हैं। दूसरा है मेरा पाइप वॉइस। देखते हैं पाइप वॉइस क्या होता है। लिखा गया है कि इस प्रकार की वॉइस की बनावट में एक बॉडी, मूवेबल जा, फिक्स्ड जा, स्क्रू, स्पिंडल और हैंडल होते हैं। ठीक है, इस वॉइस की जा प्राय भी आकार के बने होते हैं। कैसा होता है फ्रेंड्स, इसका जा भी आकार का बना होता है। इसका मूवेबल जा लंब रूप यानी वर्टिकली खुलता है। कैसे खुलता है फ्रेंड्स, वर्टिकली खुलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की वॉइस की जा मूवेबल किस प्रकार की वॉइस की जा वर्टिकली खुलते हैं, तो आप वहाँ आंसर लगा सकते हैं पाइप वॉइस। आगे देखते हैं इस वॉइस का अधिकतर प्रयोग पाइप फिटिंग करते समय और बिजली की वर्कशॉप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स, पाइप फिटिंग करते समय और बिजली के वर्कशॉप में इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसके जा के बीच में अधिक से अधिक जितनी ब्यास का जॉ बांधा जा सकता है उसके अनुसार ही इसका साइज लिया जाता है। मतलब कि जितना मिलीमीटर डायमीटर के आप पाइप को इसको पकड़ सकते हैं वही इसका साइज कहलाता है। नेक्स्ट है मेरा लेग वॉइस। कौन सा फ्रेंड्स, लेग वॉइस। इस वॉइस में जा समानांतर न खुलकर गोलाई में खुलते हैं। कैसे खुलते हैं, समानांतर नहीं खुल के गोलाई में खुलते हैं, जबकि पाइप वॉइस का जो जा था वो मेरा वर्टिकली खुलता था और इसका मेरा ये गोलाई में खुलता है, याद रखिएगा। आगे लिखा गया है कि इसका अधिकतर प्रयोग लोहारगिरी शॉप यानी ब्लैक स्मिथ में किया जाता है, जिससे इस पर गर्म जॉब को बांधकर फोर्जिंग, वेंडिंग इत्यादि प्रकार की क्रियाएं की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है आपका कि फोर्जिंग सेक्शन के लिए कौन सा वॉइस का प्रयोग लाया जाता है, तो
तो आप वहाँ लेग वाइज सेंसर लगाइएगा। और एक पूछता है नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी बॉडी किस मटेरियल का बना होता है, तो आप याद रख सकते हैं कि इसकी बॉडी रॉट आयरन या माइल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट मेरा हैंड वाइज, हैंड वाइज में पढ़ते हैं कि इस वाइज का प्रयोग हाथ में पकड़कर किया जाता है, कहाँ किया जाता है, हाथ में पकड़ कर प्रयोग किया जाता है, और इसके जा समानांतर न खुलकर गुलाई में खुलते हैं। देखिए दो ऐसी वाइज है जिसकी जा गुलाई में खुलते हैं, एक पढ़े हम लोग अभी लेग वाइज और दूसरा मेरा हैंड वाइज। इसे जा को खोलने या बंद करने के लिए एक विंग नट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस प्रकार की वाइज में विंग नट का प्रयोग किया जाता है, आंसर लगाइएगा हैंड वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रायः माइल्ड स्टील से बनाई जाती है और इसके जा चौड़ाई से लिया जाता है, और इसका साइज कहाँ से लिया जाता है, जा की चौड़ाई से लिया जाता है। नेक्स्ट है मेरा पिन वाइज, इस वाइज का अधिकतर प्रयोग घड़ी साज और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक द्वारा किया जाता है, यह प्रायः स्टील से बनाई जाती है। इस वाइज में अधिक से अधिक जितने साइज का जो बांधा जा सकता है उसके अनुसार ही इसका साइज लिया जाता है, यानी जस्ट लाइक मेरा पाइप वाइज। नेक्स्ट है मेरा टूल मेकर वाइज, इस प्रकार की वाइज बहुत ही छोटे साइज की समानांतर जा वाली वाइज होती है। यह वाइज प्रायः टूल मेकर्स के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें वे छोटे छोटे जॉब को पकड़कर ऑपरेशन करते हैं। यह प्रायः स्टील से बनाई जाती है और इसका साइज भी जा की चौड़ाई से ही लिया जाता है। नेक्स्ट मेरा प्लेन मशीन वाइस, लिखा गया कि इस प्रकार के वाइस भी जा समानांतर खुलते हैं, और इस प्रकार के वाइस का अधिकतर प्रयोग मशीनिंग ऑपरेशन एज लाइक ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग इत्यादि प्रकार के इत्यादि करते समय जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्विवल वेस वाइस, इस प्रकार के वाइस के जा समानांतर खुलते हैं, इसके फिक्स्ड जा को बेस प्लेट पर 360 डिग्री के कोण में घुमाया जा सकता है। मतलब कि स्विवल वेस एक ऐसा वाइस है जिसको हम प्रयोग 360 डिग्री के कोण में किसी भी कोण पर झुकाकर प्रयोग में ला सकते हैं, और इस प्रकार की वाइस को फिटर शॉप या मशीन शॉप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है मेरा क्विक रिलीज वाइस, बताया गया कि इस प्रकार की वाइस में वाइस के जा समानांतर खुलते हैं, इस वाइस में एक हाफ नट लगा होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि किस प्रकार के वाइस में हाफ नट का प्रयोग किया जाता है, तो आप आंसर लगाइएगा क्विक रिलीज बेंच वाइस में हम लोग हाफ नट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाइस अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है, मार्स प्रोडक्शन में किया जाता है। फ्रेंड्स कहाँ करते हैं हम लोग, मार्स प्रोडक्शन में प्रयोग में लाने के लिए क्विक रिलीज बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेरा यूनिवर्सल मशीन वाइस, इसे स्विवल वेस वाइस की तरह ही समतल चारों ओर घुमाया जा सकता है तथा लंब रूप वर्टिकली भी इसको कोण में सेट किया जा सकता है, यही इसमें खास अंतर है। इस वाइस की अधिकतर प्रयोग टूल एवं डाई मेकर के द्वारा किया जाता है। किसी भी बेंच वाइस में हैंडल घुमाने से यदि मूवेबल जा नहीं चलता है तो उसके निम्नलिखित कारण हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किसी भी बेंच वाइस का हैंडल घुमाने से यदि मूवेबल जा नहीं चलता है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल के स्पिंडल बिना पिन के फिट किया गया हो, एक तो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण कि बॉक्स नट टूट गया हो, ये भी हो सकता है। थर्ड है मेरा कि स्पिंडल या बॉक्स नट की चूड़िया घिस गई हो, इसके वजह से भी हो सकता है कि आपका स्पिंडल बेंच वाइस का मूवेबल जा नहीं चलता है। तो फ्रेंड ये था हम लोग के आज कुछ बेंच वाइस से संबंधित कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आप लोग के वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित देखेंगे एमसीक्यू, कितने प्रकार के एमसीक्यू बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए इतना।